Hello students, good morning. I hope you all are fine. Today I am here with a new lecture from unit number 3, that is seed structure and germination. Before going to today's topic, we will discuss some points. So let's start. Students, do you know from which part plants start growth? वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ से प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करता है? Do you know? Yes, the plants start their growth from a seed. Simple seed से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, ठीक है? The next point is, what is cotyledon? Students, what is cotyledon? Cotyledon is the softened part inside the seed, which may be one piece in a seed or may be two piece in a seed, ठीक है? May be एक सीड के अंदर एक कॉटिलेडन हो या एक सीड के अंदर दो कॉटिलेडन्स हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन? स्टूडेंट्स, कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज कॉटिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. द फर्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. एंड सेकेंड फंक्शन इज इट स्टोर्ड फूड फॉर एम्ब्रियो और यंग प्लांट इन साइड द सीड, ठीक है? नाउ व्हाट इज मोनोकॉट सीड? स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोनोकॉट सीड? मोनो रिप्रेजेंट्स वन, द सीड हैविंग ओनली वन कॉटिलेडन आर नोन एज मोनोकॉट सीड. फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज एक्सेट्रा. What is dicot seed? Students, di represents two. The seed having two cotyledons in their seed. ठीक है, plant having two cotyledons in their seed. या ऐसा seed जहाँ पर दो cotyledons मौजूद हों उसको हम कहते हैं dicot seed. Okay, the seed having two cotyledons. Cot represents cotyledon, ठीक है? The seed having two cotyledons are known as dicot seed. Students, do you know from which part plant starts growth? Plants कौन से हिस्से से अपनी growth start करते हैं? Plants को बनने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की requirement है? Yes, the plants start growth from seed. Like यहाँ पर आपके पास maize seed है, ठीक है? जब आप इसको ज़मीन में सो करेंगे या बोएंगे तो उससे आफ्टर सम डेज आपके पास रूट शूट निकलना शुरू होंगी और फिर एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा, ठीक है? सो प्लांट स्टार्ट्स देयर ग्रोथ फ्रॉम अ सीड. जब आपके पास कोई भी प्लांट सीड से ग्रोथ स्टार्ट करता है, जब सीड से ग्रोथ स्टार्ट होगी तो पहले रूट्स देन शूट्स बनेंगी. तो इस प्रोसेस को हम एक स्पेशल नेम देते हैं. तो हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? यस, दिस प्रोसेस कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. व्हाट इज इट? दिस प्रोसेस कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन. व्हाट इज इट? सीड जर्मिनेशन. Students, what is seed germination? The coming out of shoot and root from a seed is called seed germination. Students, this is page number 40. So, अपने अपने पेंसिल साथ में लें और साथ साथ आपने न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. The coming out of a shoot and root from a seed is called seed germination. कि किसी भी सीड से शूट और रूट का निकलना क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सीड है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर के बाद आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, कॉटन बॉल से आपने सीड को ग्रो कराया था. तो उसी तरह यहाँ देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास देखिए सबसे पहले सीड से ये कुछ रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है?
इन रूट्स के बाद ये जो सॉफ्टन एरिया है, इस सॉफ्टन एरिया को आप क्या कहते हैं, ये सॉफ्टन एरिया आपके पास शूट है, ठीक है। दीज आर रूट्स एंड शूट। तो किसी भी सीड से रूट और शूट के निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। सो वी कैन से द कमिंग आउट ऑफ शूट एंड रूट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, डू यू नो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सीड। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सीड। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। जब आपके पास कोई भी सीड मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर एक प्लांट बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर देखें, ये छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो दिस इज अ रेडिकल, जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये क्या है, रेडिकल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जो है, सीड से इमर्ज होगा क्या है, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास शूट है, शूट, और ये रेड पोर्शन आपके पास क्या है, रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द सीड ग्रोज इनटू रूट टू एक्सेस वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, वाटर एंड आल्सो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड्स। द शूट बिगेंस अपियर, क्या है, फिर यहाँ पर शूट भी अपियर होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शूट एंड देन रूट आपके पास अपियर होंगी। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑन शूट लीव्स ग्रो, ठीक है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले छोटे छोटे आपके पास लीव्स, ये छोटे क्या है, तो सबसे पहले आपके पास छोटे छोटे दो लीव्स आते हैं, इन लीव्स को आप कहते हैं फोलियज लीव्स, या फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, प्राइमरी लीव्स हैं। इस शूट के ऊपर जो है आपके पास प्राइमरी लीव्स आएंगे, इज इट क्लियर। दीज लीव्स ग्रो टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं, प्लांट्स अपनी खुराक कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स अपनी फ्रॉग या अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसको आप कहेंगे सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट्स मीन लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करेंगे, इज इट क्लियर। सो ये जो लीव्स हैं ये फर्दर जो है ग्रो करके सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। उस एनर्जी की रिजल्ट में क्या होगा, ये एनर्जी जब सन से लेंगे तो इस एनर्जी की रिजल्ट में ये जो लीव्स हैं ये पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, और इसी तरह जो है पौधा मज़ीद ग्रो करके फ्लावर्स की फॉर्मेशन करता है, किसकी, फ्लावर्स की फॉर्मेशन करता है। एंड दीज फ्लावर अगेन प्रोड्यूस सीड्स, और इसी तरह से दोबारा ये साइकिल पूरा चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जो है, सीड कन्वर्ट होगा, देन छोटा सा आपके पास एक सरफेस अपीयर होगी जिसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। उसके बाद जो है सीड शूट रूट्स में कन्वर्ट होगा, देन शूट की फॉर्मेशन होगी, और शूट के बाद शूट पे जो है छोटे छोटे प्राइमरी लीव्स आएंगे, इन प्राइमरी लीव्स को हम फॉलिएज लीव्स कहते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे जो प्राइमरी लीव्स होते हैं इनको हम कहते हैं फॉलिएज लीव्स। इसके बाद ये लीव्स जो है मज़ीद मॉडिफाई होकर, मज़ीद ग्रो करके सन से लाइट लेते हैं और एनर्जी लेते हैं, जिसकी रिजल्ट में ये प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है। और उसके बाद जो है जैसे ही ये प्लांट ग्रो करता है तो फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, और ये फ्लावर दोबारा सीड की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ये सारा आपके पास प्लांट का लाइफ साइकिल है, इज इट क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये आपके पास लाइव सीड जर्मिनेशन
प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सीड, ठीक है। सीड है, सीड का ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, ये जो छोटा सा छोटी सी सरफेस प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। इसको जो है हाइपो, हाइपो मीन अपर पार्ट जो है यहाँ पर, इस अपर पार्ट को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। व्हाट इज इट, हाइपोकोटाइल। नेक्स्ट जो है ये जो ऊपर ब्राउनिश जो कवर है, ये जो कवर है इसको हम कहते हैं सीड कोट या सीड कवरिंग, ठीक है। ये आपके पास सीड कोट है, या फिर इसको हम कह सकते हैं टेस्टा, ठीक है, सीड कोट या टेस्टा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से सीड से रूट्स निकलना शुरू होंगी, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। इज इट क्लियर। और यहाँ पर जो सॉफ्टन पार्ट है, हम पहले ही कह चुके हैं ये सॉफ्टन पार्ट, ये जो सॉफ्टन पार्ट है या ये है, ये आपके पास कॉटिलेडन है। अब यहाँ देखें कॉटिलेडन के जो दो पार्ट्स हैं, यहाँ इन दो पार्ट्स के बिटवीन से जो है आपके पास क्या होगा, रूट्स निकलना शुरू होती हैं और इन्हीं रूट से शूट निकलना शुरू होती है, ठीक है। रूट से शूट का प्रोसेस आता है, फिर शूट पे जो है अब देखें कॉटिलेडन जो है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। कॉटिलेडन का फंक्शन क्या था कि जब तक प्लांट अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, कॉटिलेडन प्लांट को फूड प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ देखें कॉटिलेडन से बाद छोटे छोटे दो प्राइमरी लीव्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, डायग्राम में बताया था। ये छोटे छोटे दो लीव्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं फोलियज लीव्स या फिर प्राइमरी लीव्स हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो यही आपके पास हाइपोकोटाइल कॉटिलेडन जो है आपके पास मज़ीद ग्रो करेंगे, जो आपके पास रूट्स हैं ये मज़ीद ग्रो करेंगी। इसके बाद जो आपके पास ये वाला एरिया है, स्टेम का जो एरिया है, शूट मज़ीद हार्डर होकर ये स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। पूरा जो आपके पास ग्रीनिश पार्ट है ये आपके पास स्टेम है, और ये कॉटिलेडन जो है वो अर्थ सरफेस से अबव आपको नज़र आना शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लीव्स की फॉर्मेशन होगी, ये कॉटिलेडन खुद बहुत प्लांट से साइड पर हो जाएंगे। अब कॉटिलेडन के बाद जहाँ से आपके पास लीव्स निकलना शुरू होते हैं, इस सेंटर को हम कहते हैं एपिकोटाइल। इज इट क्लियर, एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल हमने कहा था जब आपके पास, यहाँ देखिए कि पहले शूट या रूट निकलना शुरू होती हैं, तो उस फर्स्ट सरफेस को आप हाइपोकोटाइल कहते हैं, और इसके बाद जहाँ जिस सरफेस से लीव्स निकलना शुरू होते हैं उसको आप कहते हो एपिकोटाइल। और ये जो लीव्स हैं आपके पास इनको हम कहेंगे फोलिज लीव। और इसके बाद यहाँ पर जो है फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फिर अगेन आपके पास सीड, एंड देन ये पूरा लाइफ साइकिल चलेगा जिसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। सेम लाइक दिस प्रोसेस के आपने सीड लिया और सीड से दोबारा जो है ग्रीन प्लांट की फॉर्मेशन होती है, दिस इज़ नोन एज सीड जर्मिनेशन। और स्टूडेंट्स डू यू नो सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। क्या आपके पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि विदाउट सीड ग्रो करते हैं, ठीक है, विदाउट सीड आपके पास प्लांट्स ग्रो करते हैं, लाइक आपके पास ग्रेसेस हैं जिनके लिए आप कोई भी बीज नहीं लेते लेकिन वो इट्सेल्फ ग्रो करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स डू यू नो कैन वी ग्रो अ सीड इन कंप्लीट डार्कनेस? क्या सीड को ग्रो करने के लिए लाइट रिक्वायर होती है, या हम इसको बगैर लाइट के हम ग्रो कर सकते हैं? क्या हम सीड को या हम प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं? क्या कोई सीड बिना सॉइल या बिना एयर के ग्रो कर सकता है? या फिर आपने एक सीड लगाया, ठीक है, तो उसको आप जब तक कंप्लीट वाटरिंग नहीं करेंगे तो वो ग्रो होगा? नो, इन सब कंडीशन के बगैर सीड ग्रो नहीं करेगा। सो आपके पास देर आर सम कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कि आपके पास जर्मिनेशन के लिए या सीड को ग्रो करने के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिनसे जब तक आपको नो हाउ नहीं होगी आप न्यू सीड ग्रो नहीं कर सकते। सो दीज कंडीशंस आर, द फर्स्ट वन कंडीशन इज सॉइल। क्या हम बिना सॉइल के सीड को ग्रो कर सकते हैं? नो,
seed cannot grow without soil. So soil is necessary for germination. So the second one option is air. क्या बिना एयर के सीड ग्रो कर सकता है? No, बिना एयर के सीड ग्रो नहीं कर सकता. So second one necessary condition is air. So the third one condition is water. क्या वाटर के बिना कोई सीड ग्रो कर सकता है? कोई प्लांट की ग्रोथ हो सकती है? नहीं. यस, तो जब तक किसी भी प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं कर सकता. एंड द नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लाइट. क्या बिना लाइट के कंप्लीट डार्कनेस में सीड ग्रो कर सकता है? नहीं. जैसे हम जो है कंप्लीट डार्कनेस में नहीं रह सकते, इसी तरह कोई भी सीड कंप्लीट डार्कनेस में ग्रो नहीं करेगा, बल्कि लाइट इज अ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. नेक्स्ट बारी आ रही है प्रॉपर टेम्परेचर की. प्रॉपर टेम्परेचर, क्या कोई सीड प्रॉपर टेम्परेचर के रह सकता है? हम अपनी बात करते हैं. क्या आप जब बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप बिना ब्लैंकेट के रह सकते हैं? नहीं. या फिर बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो तो आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं. तो इसी तरह सीड्स को भी ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर ज़रूरत होता है. उनको भी कंप्लीट दर्जा हरारत ज़रूरत होता है, जिसकी वजह से सीड जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है. So there are five necessary conditions for the seed germination. So the first one is soil, air, water, light, and proper temperature. If any one condition is missing, then seed will not grow properly. आपके पास इन पांच में से कोई भी condition missing होगी तो seed grow नहीं करेगा. Is it clear? Now students, coming toward the summing up, हम अपने लेक्चर को दोबारा से ज़रा पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपको सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हों. द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट. स्टूडेंट्स, फ्रॉम विच पार्ट प्लांट कैन ग्रो? येस, द प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अ सीड. प्लांट कौन से हिस्से से ग्रो करता है? सीड से. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज सीड जर्मिनेशन. हमने बात की स्टूडेंट्स, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? हमने बात की कि आपके पास एक सीड है, ठीक है, एक सीड है जिससे आपके पास रूट एंड शूट निकलना शुरू होती है और उसके बाद एक कंप्लीट फ्लावर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है. अब ये जो आपके पास सीड से रूट शूट एंड कंप्लीट प्लांट के बनने तक का अमल है, इसको हमने क्या कहा कि ये आपके पास एक पूरे प्रोसेस के जरिए होता है. ये प्लांट की एक लाइफ साइकिल है जिसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन. सो व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? द कमिंग अबाउट ऑफ अ शूट एंड रूट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. सीड से न्यू प्लांट के बनने के अमल को हम कहेंगे सीड जर्मिनेशन. The next point is conditions necessary for germination. हमने कुछ conditions का पढ़ा था तो उनमें से आप revise करें साथ साथ कि कौन कौन सी conditions आपके पास थी. So there were five conditions. कि हमारे पास पांच conditions थी जिनके बिना कोई भी seed grow नहीं कर सकता. So first one is soil. Soil के बिना कोई भी seed grow नहीं कर सकता. एयर, किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. लाइट, प्रॉपर लाइट रिक्वायर्ड है. वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर. द फर्स्ट वन इज सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर. प्रॉपर टेम्परेचर और ये सारी आपके पास पांच कंडीशंस हैं जिन फाइव कंडीशंस के बिना कोई भी सीड ग्रो नहीं कर सकता. अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मिसिंग हुई तो सीड ग्रो नहीं करेगा.
दिस इज अ ग्रोइंग प्लांट। आपके पास देखें पहले सीड से रूट्स एंड शूट निकली, शूट से आपके पास फॉलिएज लीव या प्राइमरी लीव्स निकले, देन आपके पास ये थोड़ा सा प्लांट ग्रो किया। ये देखें ये रूट्स लीव्स जो हैं मजीद ग्रो करके अब इस स्टेज में क्या होगा, सीड या न्यू प्लांट जो है अपनी खुराक खुद तैयार करेगा। इस स्टेज पर इसे एम्ब्रियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, बहुत ही इंजॉय करने के लिए, ठीक है? आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सेम लाइक द प्रीवियस एक्टिविटी, ठीक है? जिससे आप जो है रिजल्ट लेंगे, उन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, फिर मुझे रिजल्ट भेजेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आपके पास पेज नंबर 42 है। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर 5 डिस्पोजिबल ग्लास लेने हैं, ठीक है? आपने 5 डिस्पोजिबल ग्लास लेने हैं, ठीक है? या फिर आप आइसक्रीम कप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने कुछ जो है छोटे छोटे पीसेस स्टोन के लेने हैं, ठीक है? और आपको प्लास्टिक शॉपिंग बैग की ज़रूरत है और थोड़ी सी आपको सॉइल की ज़रूरत है, ठीक है? सो आपने 5 कप में क्या करना है, देखें जो फर्स्ट आपके पास कप आ रहा है, पहले कप में आपने कप 1 में स्टोन डाल देने, ठीक है? कुछ आपने यहाँ पर आपने सीड लेना है एक यहाँ पर, ठीक है? और सीड के साथ आपने ग्रेम सीड ही लेना है और यहाँ पर कुछ स्टोन्स डाल देने, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कप में आपने जो है कप 2 लेना है विद प्लास्टिक कवर। इसको आपने क्या करना है, प्लास्टिक कवर जो शॉपिंग बैग आपने लिया था उसके साथ इसको आपने सीड डालकर कवर कर देने, ठीक है? थर्ड में आपने क्या करना है, उसी तरह से सीड रखकर उसको जो है थर्ड में सॉइल लेकर उसमें आप सीड रखेंगे और इसको आपने पानी नहीं डालना, ठीक है? फोर्थ कप में आप क्या करेंगे, फोर्थ कप को आप उठा के थोड़ा सा इसमें सॉइल डाल देंगे और आपने ग्रैम सीड रखना है और उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रख देना है, मींस कि कंप्लीट डार्कनेस में जहाँ पर आपके पास लाइट नहीं हो। और फिफ्थ कप को आपने क्या करना है कि इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल लेनी है, सॉइल में आपने सीड्स डाल देनी है और उसमें थोड़ा सा आपने प्रॉपर वाटर डालना है, ठीक है? पानी डालने और उसको आपने अपने बाहर जो है प्रॉपर अपने रूम में रख देना है, ठीक है? जहाँ पर इसको प्रॉपर लाइट मिल रही हो। अब आपने बताना है कि ये जो आपने 5 कप लिए हैं या 5 आपने डिस्पोजिबल ग्लास लिए हैं, इनमें से आपके कौन से ग्लास में सीड ने ग्रो किया है। आफ्टर 24 आवर आप देखेंगे ये छोटा सा यहाँ पर रेडिकल आपको नज़र आएगा बाहर, ठीक है? सीड से बाहर आपको रेडिकल नज़र आएगा, तो आपने देखना है इन 5 में से कौन से कप में आपको रेडिकल नज़र आता है, फिर आपने उसकी मुझे पिक्चर लेके बतानी और फिर आपने बाकी 4 को बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में आपके पास सीड ग्रो नहीं किया और किस वजह से नहीं किया। और जिस में आपके पास सीड ग्रो करेगा तो आपने बताना है कि ये आपके पास कप है डिस्पोजिबल जिसमें आपके पास सीड ने ग्रो किया है, ठीक है? इजी एक्टिविटी है, आपने सब दे परफॉर्म करनी है और फिर मुझे पिक्चर्स भेजनी है, ठीक है?